नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द डिफेंस स्टडी जोन चैनल। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए नई क्लास लेकर आया हूं, समानुपात। इससे पहले अपन ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था। प्रोपोर्शन की अलग से क्लासेज है, एक क्लास मैं आपको दूंगा इसकी। तो दोस्तों, इससे पहले मेरे 3 लेक्चर थे, वो ज़रूर देखें आप जाकर। उसमें 3 क्लास मैंने डाली है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, धमाकेदार क्लासेज हैं। आप एक बार उनको ज़रूर देखें, उसके बाद में हमारी प्रोपोर्शन की क्लास देखें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। और साथ में आप पेन कॉपी रखें और अच्छे से आप नोट्स बनाएं, और वीडियो को आप शेयर करें दोस्तों में। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन को दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और हमारी क्लास आपके पास समय पर पहुंचे और क्लास आप देखें। तो दोस्तों, अगर आप हमारी क्लास देख रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसका भी जरूर जवाब दें। और अपन इस टॉपिक का बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक पढ़ने के बाद ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं दोस्तों, 5 से 7 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। तो सबसे पहले अपन प्रपोर्शन समझते हैं कि प्रपोर्शन होता क्या है और प्रपोर्शन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं आने वाले समय में, वो भी अपन करते हैं। बने रहे आप हमारे चैनल पे और हमारे साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर समानुपात, समानुपात आप जानते हो कि 4 संख्याएं कोई भी आप ले सकते हो और समानुपात से रिलेटेड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं सबसे नॉर्मल संख्या ए अनुपात, बी समानुपात, सी अनुपात, डी। यहाँ पर ये वाला जो साइन होता है इसे अपन समानुपात बोलते हैं और ये इसको बोलते हैं अपन अनुपात। यहाँ पर समझने की बात दोस्तों ये है कि ये जो है ए, ये है पहला अनुपात, बी है दूसरा अनुपात, सी है तीसरा अनुपात और डी है चौथा अनुपात। तो यहाँ पर 4 अनुपात आपके पास होते हैं और समानुपात से रिलेटेड कर दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको 3 अनुपात देकर चौथा अनुपात पूछ लिया जाता है, तो घबराने की जरूरत है नहीं दोस्तों। तो अपन इस बेसिक पार्ट को समझेंगे, ऐसा होता क्यों है। तो यहाँ पर इस चीज को दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, ए अनुपात बी। तो ए बटा बी और अनुपात होता ही क्या है, बराबर। बराबर को ही आप क्या लिख सकते हो, समानुपात। तो यहाँ पर समानुपात को लिख सकते हो बराबर C बटा D, और यहाँ पर क्रॉस गुणा कर देंगे AC बराबर, या फिर देखो क्रॉस गुणा करने पर ये क्या बनेगा AD और ये क्या बन जाएगा BC। तो यहाँ पर A इंटू डी बराबर B इंटू सी। तो यहाँ पर एक रिजल्ट आ गया दोस्तों आपके पास, जो क्या रिजल्ट आया है, अंतः पदों का गुणा हमेशा किसके बराबर होता है, बाह्य पदों के गुणा के बराबर। तो यहाँ से पहला रिजल्ट आ गया है। इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो कैसे पूछा जाता है, मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो आता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 4 रेशियो आपके पास है, 4 रेशियो है, 3 देकर चौथा आपसे पूछेगा। तो इसका जो क्वेश्चन आता है 5 अनुपात 8 समानुपात, यहाँ पर 10, यहाँ पर समानुपात, और यहाँ पर दे दिया जाता है कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x का मान जब भी पूछ रहा है, तो आपको पता है कि अंतः पदों का गुणा हमेशा होता है बाह्य पदों का गुणा। तो अंतः पदों का गुणा जब आप करोगे, तो यहाँ पर 8 गुणा 10 किसके बराबर होगा, 5 गुणा x के बराबर। अंतः पदों का गुणा हो गया 10 गुणा 8 और 5 गुणा x, 5 का इसमें भाग लगाना है 10 में। दोस्तों कितनी बार कट गया, आप ये 2 बार कट गया, तो x का मान 8 दुनी 16। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चौथा अपने पास रेशियो आ गया है, जो कितना आ गया है 16। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर दे दिया जाएगी 5, यहाँ पर 15 समानुपात, और यहाँ पर आपसे तीसरा अनुपात पूछ लिया जाता है, और उसके बाद में 1 अनुपात और दे दिया जाता है आपके, यहाँ पर अनुपात दे दिया गया 3, और आपसे तीसरा अनुपात पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो है अंतः पदों का गुणा,
15 गुणा एक्स किसके बराबर होगा, बाह्य पदों का गुणा, 5 गुणा 3, तो 15 से 15 कैंसिल, तो एक्स का मान कितना आ गया 1, और यही क्या है अपना आंसर। दो क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ पाए हो कि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। धीरे धीरे अपन इसका पार्ट पढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे फर्स्ट अनुपात पूछ लिया जाए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इस रेशियो के माध्यम से आप जरूर बता सकते हो। अगला जो आता है अपने पास तृतीय अनुपाती, तो यहाँ पर तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए वो कंडीशन भी मैं आपको समझा सकता हूँ, तो आप इसको नोट कर सकते हो दोस्तों, और साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट कर सकते हो आप। तो लिख लिया है दोस्तों आपने, तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे दोस्तों। समझ पाए हो यहाँ तक आप? आगे जो आता है अपने पास तृतीय अनुपात, या फिर इससे पहले अपन दोस्तों यहाँ पर मध्य अनुपाती पढ़ लें तो और भी अच्छा हो जाएगा तृतीय अनुपाती समझने के लिए। तो नेक्स्ट जो आता है इसमें मध्य अनुपाती, इसे अपन बोलते हैं दोस्तों मीन प्रपोर्शन। तो मध्य अनुपाती क्या होता है दोस्तों, आप समझ पा रहे हो कि मध्य की कोई संख्या पूछ ली जाती है, इसे क्या बोलते हैं मध्य अनुपाती। तो यहाँ पर मध्य अनुपाती की बात करता है, मैंने आपको 4 अनुपात बताए थे, ए अनुपात, बी समानुपात, सी अनुपात, डी। तो दोस्तों आपको एक बात समझ में आई है कि ये जो है पहला अनुपात, ये कौन सा है दूसरा अनुपात, और ये तीसरा, ये कौन सा चौथा। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि बी और सी को बराबर रख दिया जाता है, बी और सी को बराबर रख दिया जाता है, इसलिए यहाँ से ए अनुपात, यहाँ पर मध्य अनुपाती, बी को क्या मान लेता हूं मैं एम, या फिर बी को बी रहने दो, और ये भी क्या बन जाएगा बी, और ये क्या बन जाएगा आगे डी। तो यहां से आप समझ पा रहे हो दोस्तों, ये जो होता है अपने पास फर्स्ट अनुपात, ये दोनों होता है मध्य अनुपाती। क्या होता है मध्य अनुपाती, मीन प्रपोर्शन, और ये जो होता है अपने पास तृतीय अनुपाती या फिर चतुर्थ अनुपात। तो यहां पर अपने मध्य अनुपाती हमेशा क्या होते हैं बराबर, तो यहां से रिजल्ट आ गया अंतः पदों का गुणा बी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा एडी के बराबर। तो यहां से रिजल्ट अपने पास बी स्क्वायर बराबर एडी, और यहां पर मान लो कि आपको बी निकालना है तो रूट कर लेंगे दोनों तरफ, तो यहां पर बी का मान दोस्तों। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, बने रहे दोस्तों आप हमारे साथ, मैं आपको हर टाइप इसमें जो बनती है मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां से पहले क्वेश्चन आता है जो नॉर्मल सा क्वेश्चन, यहां पर 12 और 9 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो दोस्तों 12 और 9 का मध्य अनुपाती आप आसानी से बता सकते हो। 12 और 9 का मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर करना क्या है, दोनों संख्याओं का गुणा करके क्या लेना है रूट, या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो 12 अनुपात m समानुपात दोनों क्या होंगे ये बराबर, और लास्ट का अनुपात कितना है 9, और यहाँ पर अंतः पदों का गुणा एम स्क्वायर बराबर 12 गुणा 9 144, और एम का मान कितना आ जाएगा यहाँ से रूट लेंगे तो कितना आंसर दोस्तों, ये 12 ना में 108 होते हैं, सॉरी यहाँ पर अपने पास है ये 16 है, कितना है 16, तो यहाँ पर कितना कर देना पड़ेगा आपको 16, तो 16 गुणा 9 कितना हो गया 144, 144 का रूट कितना आ जाएगा 12, और यही क्या है अपना आंसर। आप क्वेश्चन कितने भी कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैं सेकंड क्वेश्चन आपको समझाता हूँ इसी टाइप का, फिर जो एग्जाम में पूछे गए थे वो क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है 9 और 4 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो आपको पता है दोस्तों दोनों का गुणा करके क्या लेना है रूट, 9 गुणा 4 कितना होता है 36, और 36 का रूट कितना आता है 6, यही क्या है अपना आंसर। अब एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन वो करते हैं दोस्तों, तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, और वीडियो को दोस्तों में शेयर करो और लाइक करो। तो यहाँ पर एग्जाम में आए क्वेश्चन वो करवाता हूँ मैं दोस्तों यहाँ पे आपके लिए, तो यहाँ से मैं रब कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों स्क्रीन पर मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मल संख्या देकर आप कर सकते हो, क्वेश्चन क्या बनते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में
वाला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर पूछा जा रहा था 3 + √2। आगे जो संख्या आपके पास है 12 - √2 दे दिया है 32, रूट में कितना है 32, और आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों ये दोनों संख्याएं देखकर क्या पूछा जा रहा है, मध्य अनुपाती का मध्य अनुपाती क्या होगा होगा। और यहां पर पूछ लिया था बीच का अनुपात क्या होगा, तो दोनों बात एक ही है दोस्तों। तो यहां से इस क्वेश्चन को हल करने के लिए करना क्या है आपको, ये दोनों संख्याएं हैं, अगर आप इसको सही मायने में तरीके से लिखते हो तो ए अनुपात यहां पर बी अनुपात जिसको मैं एम मान लेता हूं, समानुपात यहां पर क्या है एम, और आगे जो अनुपात है 12 - √32, क्योंकि मध्य अनुपाती जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है, क्या होता है इक्वल होता है। तो यहां पर जो है अंतः पदों का गुणा एम स्क्वायर बाह्य पदों का गुणा के बराबर होता है, तो बाह्य पदों का गुणा 3 + √2 इंटू यहां पर 12 - √2 कितना है 32, 12 - √2 कितना है 32। अब यहां पर करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना, जो कॉमन आ रहा है सबसे पहले उसको कॉमन लेंगे, 3 + √2 आ रहा है। अब यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन इसलिए आ रहा है कि इसको क्या लिख सकते हो आप, 16 × 2, और 16 का रूट हमेशा 4 होता है। तो यहां पर जो बच गया अपने पास 3 - कितना √2, तो यहां पर समझ पाए हो दोस्तों। अब आगे इसको हल कर सकते हो आप एम स्क्वायर, और आगे क्या चल रहा है ये 3 का इससे गुणा होगा तो ये क्या बनेगा 9, और √2 का गुणा होगा तो √2 से क्या बनेगा ओनली 2 बन जाएगा, तो इंटू में 4 चल रहा है, ये कितना चल रहा है 3 - 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये कितना बन जाएगा 2। तो यहाँ पर एम स्क्वायर बन गया 9 - 2 कितना 7, 7 × 4 कितना हो गया 28, एम स्क्वायर बराबर 28, और एम का मान आ गया √28, और √28 को आप लिख सकते हो 7 × 4 √2, ये क्या है अपना आंसर। तो दोस्तों इस बात को आप समझ पाए हो, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर 12 - √32 को आप लिख सकते हो 12 - 16 × 2 √2। तो यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है इसलिए मैंने 4 कॉमन ले लिया, और आगे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था, फिर उसके बाद में मैं समझ जाऊँगा कि आपको हर तरीके से हर क्वेश्चन आने लग गए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और नोट कर सकते हो आप इसको। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम में जो पूछा गया था वही क्वेश्चन अपन दोस्तों करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद इसके बाद में आखिरी टाइप होगी अपनी तृतीय अनुपाती, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4th में आपको करवाता हूं जो एग्जाम में पूछा गया था, और साथ साथ आप मेरे साथ नोट करो क्वेश्चन को, और आप खुद करने की कोशिश करो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 15 + √2 - 27 यहां पर 27 - √648 एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, दिखता है कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन है नॉर्मल। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य अनुपाती बताओ, तो मध्य अनुपाती आप आराम से बता सकते हो। तो मध्य अनुपाती बताने के लिए आपको पता है कि अप्रोच मालूम होनी चाहिए आपको। अप्रोच क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले 15 + √200 अनुपात, यहाँ पर m मान लेता हूँ मध्य अनुपाती को, और फिर से m रिपीट होगा, और लास्ट में क्या दिया हुआ है 27 - √648। तो दोस्तों इस बात को आप समझ पाए हो, अब नॉर्मल क्वेश्चन बन गया पहली टाइप का कि m का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, दोनों संख्या के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को इधर लिखता हूँ, m स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर 15 + √200 चल रहा है, और आगे इंटू क्या होगा दोस्तों 27 - √2 कितना चल रहा है 648। अब इस बात को अपन हल कर लें, तो यहां पर देखो m स्क्वायर
200 को क्या लिख सकते हो आप, 100 गुना 2, 100 गुना 2 लिख सकते हैं, और 100 का रूट आपको पता है 10 आता है, या फिर दोस्तों इस बात को आप क्या लिख सकते हो, 15 प्लस इसको 100 गुना 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आगे क्या चल रहा है, 27, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, 324 गुना 2। तो यहाँ आने के बाद ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो एम स्क्वायर बराबर ये कितना है, 15, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 10√2 बन जाएगा। और आगे क्या चल रहा है दोस्तों, आगे अपने पास चल रहा है 27 चल रहा है, और 324 का रूट कितना होता है, 18, तो 18√2। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो दोस्तों। कॉमन क्या लेना है, सबसे पहले कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या ले सकते हो आप, एम स्क्वायर बराबर ये क्या है, 15 प्लस, या फिर देखो इसमें से 5 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ पर 3 + 2√2 बच जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो, तो इनटू में 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया 9 माइनस, या फिर 3 कॉमन नहीं ले सकते तो आप इसमें 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा अपने पास, अंदर बच जाएगा 3, यहाँ पर 2√2। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर समझाने की बात ये है दोस्तों, एम स्क्वायर 5 कॉमन ले लिया, 3 + √2 इंटू 9, यहाँ पर 3 - 2√2। तो यहाँ तक की बात आप दोस्तों यहाँ तक लिख सकते हो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पे जगह कम है, इसलिए यहाँ पर नोट कर सकते हो आप, बिल्कुल तरीके से मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, अपने पास आ गया एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर की जो वैल्यू 9 × 5 कितना हो गया, 45, 3 का 3 से गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा, 9, यहाँ पर 2√2 से गुणा होगा तो 2 × 4, 4 × 8, तो यहाँ पर एम स्क्वायर का मान आ गया 45, एम का मान कितना आ जाएगा रूट में 45, तो इस बात को आप लिख सकते हो 3√5, 9 × 5, 9 का रूट कितना आ जाएगा 3, तो यही क्या है अपना आंसर। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, और आपको समझ आया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, चाहे मैथ के आपके पास क्वेश्चन कम आए, लेकिन एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक में पूछे जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी लास्ट जो टाइप बनती है तृतीय अनुपाती, दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ अगली टाइप, तो दोस्तों अगली टाइप इसमें पढ़ते हैं तृतीय अनुपाती, तो ये भी है अपनी एक टाइप बनती है अपने आप में, 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाते जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कम से कम 1 क्वेश्चन तो आएगा, तो उसी 1-2 क्वेश्चन की मैं आपको तैयारी कराऊंगा आपके सिलेबस के लिए। तो यहाँ से सबसे पहली बात तृतीय अनुपाती, तो दोस्तों तृतीय अनुपाती बताने के लिए आपके लिए सबसे पहले 4 प्रपोर्शन आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके, ए अनुपात, बी समानुपात, सी अनुपात, डी। तो यहाँ से सबसे पहले आपको पता है कि ये फर्स्ट अनुपात है, ये सेकंड है, ये क्या है थर्ड, ये क्या है फोर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है, ये तीसरा अनुपात है, और ये चौथा अनुपात है। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन है कि यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि B बराबर C को रख दिया जाता है, तो यहाँ पर ये अनुपात A बन गया और ये B बन गया समानुपात B अनुपात D। अब यहाँ से ये कहलाया फर्स्ट अनुपात, ये सेकंड अनुपात, और ये अपने पास हो गया थर्ड अनुपात, दोनों को मिलाकर। तो समझ पाए हो दोस्तों, फर्स्ट अनुपात, सेकंड अनुपात, थर्ड अनुपात। तो यहाँ पर इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक बात आपको समझ में आ गई कि दोस्तों बी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 10 आया तो 10 रिपीट होगा, 15 आया तो 15 रिपीट होगा। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 5 और 10 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, कुछ नहीं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 5
यहाँ पर आपको पता ही ये 10 है, समानुपात फिर से 10 रिपीट होगा और तृतीय अनुपाती को मैं क्या मान लेता हूँ x, तो यहाँ पर 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 100 और 5 गुणा x 5x, x का मान कितना आ जाएगा 20। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है अंतः पदों का गुणा 100 बन गया, बाह्य पदों का गुणा 5x, x का मान कितना आ गया 20 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो एक्स वाई जेड पे पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं अपन आगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, एग्जाम में पूछा गया है, साथ साथ आप मेरे साथ करना ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स, एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स, और आगे आपके पास संख्या दी हुई है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपसे क्या पूछा जा रहा है तृतीय अनुपाती बताओ। तो तृतीय अनुपाती आप बता सकते हो, तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रपोर्शन, इंग्लिश में इसको थर्ड प्रपोर्शन बोलते हैं, तृतीय अनुपाती। तो यहाँ पर तृतीय अनुपाती बताने के लिए यहाँ पर दो संख्याएं दे दी गई, एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स अनुपात, और यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है कितना, बीच वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, एक्स स्क्वायर स्क्वायर का रूट। और आपको पता है ये जो संख्या आती है थर्ड प्रोपोर्शन में, यही दोबारा क्या होती है, रिपीट होती है। तो समानुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पैसे रूट, और यहाँ पर मैं थर्ड प्रपोर्शन को क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है अंतः पदों का गुणा बाह्य पदों का गुणा के बराबर होता है, तो अंतः पदों का गुणा, इन दोनों का जब गुणा होगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि रूट से रूट गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों का गुणा होगा एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स बराबर इंटू में क्या टी। तो इस बात को हल कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में, इस आप हल कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एलसीएम आ गया एक्स वाई इंटू टी। तो यहां से इस बात को समझ पा रहे हो दोस्तों, आप कोई संख्या कैंसिल हो रही तो उसको कैंसिल करो। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स प्लस वाई स्क्वायर कट गया और वजर गुणा होगा तो टी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, टी का मान कितना आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा एक्स वाई, और यही क्या अपना आंसर। तो मैं फिर से आपको ये वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, दोनों का गुणा होगा यहाँ पर एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल तो टी का मान आ गया एक्स वाई। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और सभी क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई, और आपसे पूछा जा रहा है चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पर भी बनता है चतुर्थ अनुपाती, मतलब फोर्थ प्रपोर्शन। तो चतुर्थ अनुपाती आप बता सकते हो दोस्तों, यहाँ पर इसको फोर्थ प्रपोर्शन बोलते हैं, मतलब चौथा अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहला अनुपात, दूसरा अनुपात है अपने पास अनुपात एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर आएगा समानुपात, थर्ड प्रपोर्शन एक्स माइनस वाई, और चौथा अनुपात को क्या मान लेता हूँ मैं, फोर्थ मान लेता हूँ। और आपको पता है इतना आने के बाद सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, अंतः पदों का गुणा, अंतः पदों का गुणा करो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, बाह्य पदों का गुणा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में इसको क्या मान लेता हूँ मैं, टी मान लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस वाई, तो प्लस
इसको क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू करने पर, आगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चल रहा है और इंटू में क्या चल रहा है, टी, तो ये कैंसिल हो गया और कितनी बार कट गया, एक बार, तो टी का मान आ गया कितना, एक, और यही क्या है अपना आंसर। तो ये बात आपको दोस्तों समझ में आई है। अगला एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। लास्ट जो क्वेश्चन था 18 और 24 और 30 का आपको चतुर्थानुपाती बताना है। तो ये तो संख्या है नॉर्मल दोस्तों, ये तो आप खुद ही कर लेना और कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब देना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन 18, 24, 30। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ और कमेंट्स बॉक्स में आपको उसका जवाब देना है। मैंने सभी टाइप के सभी क्वेश्चन करवाए हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ 18, 24 और 30 का चौथा अनुपात क्या होगा, मतलब चतुर्थानुपाती होगा। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपसे पूछ लेता हूं और कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब देना है। यहां पर प्रोपोर्शन खत्म होता है दोस्तों। अगला जो टाइप अपन स्टार्ट करेंगे या फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, तो यहां पर उसमें 8 पॉइंट बनेंगे दोस्तों। तो मैं 8 पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूं अच्छी तरीके से, और आप हमारे साथ बने रहें। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुंच जाएगा और हमारे क्लासेज का आप भरपूर आनंद उठा सकते हो दोस्तों। क्योंकि नया टॉपिक लेकर आने वाला हूँ मैं, त्रिकोणमिति आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय। अगर फेसबुक पेज पर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों फेसबुक पेज को फॉलो करें और साथ में आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।